मेरा फोन कहाँ गया यार? कितने का था भाई? हम कॉल भी कर रहे हैं ना, अभी स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ आ रहा है भाई। मेरे घर वाले तो दिखलाएंगे मेरे को फोन यार। भाई सो गुड मॉर्निंग गाइज, 6:30 बज रहे हैं और धूप बस जस्ट निकलने वाली है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी यहाँ पे, और ये हमारी चाय आ गई है वहाँ से। अभी हमारे सूर्य देवता निकलने वाले हैं, और ये हमारा जो रात का माहौल था वो ये था कि ये ना नदी है जो पीछे से आ रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो यहाँ नदी की वजह से ना ठंडक बहुत थी रात को। और ऋषभ भाई क्या कह रहे हैं? रिवर फ्रंट व्यू। और रात को ना एक कांड हो गया था हमारे साथ, दीपक रावत है ना, उसका फोन खो गया था, तो वो देखो आपको ना वो दिखाता हूँ, क्लिप्स देखो ये वाली। अभी हम जा रहे हैं चाय पीते हैं और बताते हैं कि यहाँ की चाय कैसी है। मैं कोटद्वार की फेमस जगह पे चाय बंद मक्खन खाने पसंद आने वाला है आपको? बिल्कुल भाई, उम्मीद है पूरी। यहाँ भाई के यहाँ चाय बंद मक्खन खाने आ रही है रात को, और रात के 11 बज रहे हैं। ये हमारे रजत रावत जो बहुत मोटे हो गए हैं, अब जॉब वाले बंदे भाई, TCS में नौकरी खा रहे हैं, और ये अपनी चाय आती हुई। अब यार मीठे है यार, सजी हो गई। ब्रो व्हाट हैपेंड? आई लॉस्ट माय फोन यार। फोन खो दिया तूने? मेरा फोन कहाँ गया यार? कितने का था? इट वाज 20,000 यार। चूना लग गया 20 का? मत बोल यार भाई यार, यहाँ से कहाँ चले गए मेरा फोन यार? भाई हम कॉल भी कर रहे हैं ना, अभी स्विच्ड ऑफ है, तो स्विच ऑफ आ रहा है। तो फोन भाई ने माँ कसम लाया था फोन, तो इतना मेरे को याद है यार। फोन खो गया मतलब? हाँ यार। स्विच ऑफ कैसे हो? तो स्विच ऑफ था तेरा फोन? भाई नहीं यार। भाई तूने फोन देखा था इसका लाते हुए? मैंने देखा था, इन्हें गूगल पे किया था, उसका मुझे पता नहीं। तू मेरे को तो देखो ये भरोसा है, तू लाया नहीं लाया फोन यहाँ पे? लाया था। मेरे घर वाले तो दिखलाएंगे मेरे को फोन यार। भाई सुन, तेरे को ये याद है तूने फोन का रखा था? भाई मेरे को याद ही तो नहीं आ रहा यार। भाई हमारे दीपक भाई का फोन खो गया है, हम यहाँ चाय पीने आए थे, और अब फोन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो अब हम जा रहे हैं दीपक भाई का फोन ढूंढने, और इसको बिल्कुल नहीं पता इसने कहाँ रखा फोन, इसने ना कहीं फोन गिरा दिया है। देखते चल भाई, यहाँ पे है कहीं? ये तो देख रहा हूँ यार, यार कहाँ गिर गया यार, मेरे को टेंशन हो रही है यार। भाई सागे तो आए नहीं यार, तेरा फोन कहाँ था बता दे बस। मुझे नहीं मालूम भाई, वहाँ पे मुझे लग रहा है वहाँ पे गिरा होगा भाई। वो कहाँ पे? वहाँ पे स्कूटी के पास भाई, इतनी में शॉर्ट ही दे रहा भाई, और कहीं नहीं गिर सकते यार। अभी इसको थोड़ी देर पहले पता नहीं था ना फोन कहाँ पे, अब तू बोल रहा है कि फोन तेरा नीचे गिरा हुआ था। अगर तुमने बोला कि किसी ने उठा के दे, तो भाई वो स्कूटी में से गिर सकता है, मेरे जेब से स्लिप हुआ होगा, मेरे को इतना मैं भरोसा के साथ बोल सकता हूँ भाई। इससे पूछ ले ऋषभ, फोन कहाँ है उसका? इसका फोन वहीं पड़ा था भाई, स्कूटी के बगल में, भाई लोगों ने बताया। भैया इसका फोन कहाँ पे? रोड पे गिरा हुआ था फोन। सही में क्या भैया? हाँ मेरे फ्रेंड लोग आए थे ना, उन्होंने उठा के, उन्होंने तेरा फोन दिया था भैया का दोस्त ने, भैया को थैंक्स बोल। किधर भैया? थैंक यू यार, कहाँ है पर मेरा फोन तो दिखा दे। भाई लोगों के पास ही होगा, और दोनों मेरा फोन यार। और ये जो हमारे ऋषभ भाई है ना, इनकी बदौलत हम आज यूट्यूब पे हैं। ये अगर सपोर्ट ना करते उत्तरकाशी जब गया था मैं। शुक्रिया भाई। कोविड से पहले ना हम लोग जनवरी में उत्तरकाशी गए थे, हर्षिल जनवरी में। तो वहाँ पे मैं मतलब शूट तो कर रहा था अपना ब्लॉग वगैरह, तो मैंने ना वहाँ का ब्लॉग भी शूट किया था, बट हुआ क्या था कि वो मतलब प्रॉपर करता ही नहीं था मैं शूट, मतलब अपने लिए मेमोरीज कलेक्ट करता था, बट वो फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, और ये जो मैंने सबसे पहला ब्लॉग डाला था ना, वो काइंड ऑफ ब्लॉग भी नहीं था। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ बटन में भी आ रहा होगा, वो प्रॉपर व्लॉग नहीं था वहाँ पे, मतलब ऐसी था लाइक मैंने क्लिप्स जोड़ के डाल दिया था, क्योंकि मैं ऐसी करता था पहले, मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करता ही नहीं था, बस अपने लिए मेमोरीज कलेक्ट करना और उसको डाल देना। और आज ना ज़्यादा शादी वाला काम नहीं है, तो सब ने मिल के डिसाइड करा है कि वहाँ ऊपर एक दो जगह है यहाँ पे कोटद्वार में, जहाँ से बहुत अच्छा अच्छा व्यू आता है, तो वहाँ पर जाएंगे। नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट एक का नाम याद है चेरेक, बाकी आपको आगे पता लग जाएगा कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो भाई अपना नाश्ता इज डन, एंड अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से डुगड्डा के लिए, वहाँ पर नदी वगैरह है बता रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छा स्पॉट है कि नहाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। और मेरी ना भाई पीठ पे बहुत जोर की डिग्गी लग गई स्कूटी की, उसकी गाड़ी की, दर्द हो रहा है बहुत, छिल गया पूरा। अभी टैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पेट्रोल टैंक, 300 डाल दो।
तो ये जो रोड है आगे आते हुए महाबगढ़ की तरफ, जो आगे यहाँ से महाबगढ़ की तरफ रोड जा रही है, ये है डुगड्डा। और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और वहाँ पर है नहाने के लिए स्पॉट, तो वहाँ पर जाते हैं, आपको वहीं जाके एंजॉय करेंगे। तो भाई मैं ना रेडी हो चुका हूँ और अभी यहाँ पे आज कॉकटेल है, हम तो पीते वीते नहीं है बट माहौल इंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। हम ना जब आ रहे थे तो भाई बहुत थकान हो गई थी, तो मैंने ब्लॉग करा ही नहीं, मैं आया रूम पे आया सो गया और फिर अब हम शाम को उठे रेडी वेडी हुए और फिर मैं यहाँ स्पॉट पर आ गया जहाँ पर हमारा आज का फंक्शन है। तो भाई हम ना पीछे आ गए हैं पकौड़े खाने हमारे ऋषभ भाई के साथ। क्या कह रहा भाई, सीट तक आने देते पकौड़े? और ना यहाँ पीछे खड़े होके खाने का मज़ा ही अलग होता है, वहाँ पीछे पकौड़े बन रहे हैं और हम गर्मा गर्म यहीं पे खा रहे हैं। क्या कर रहे तो लगभग दो घंटे नाचने के बाद ये हमारी कॉफी। ऋषभ भाई, हाँ भाई, कैसा लगा नाच के? बढ़िया भाई, बहुत। अब हमारी ब्लॉग की एंडिंग तो कर दो आज। कैसे जैसा आप चाहो। द एंड। तो कॉफ़ी पीते हुए अब इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं गाइस। बहुत थक गए, बहुत थकान हो गई, हालत बहुत डाउन है, मतलब तीन चार घंटे से नाच रहे हम लोग। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अभी आवाज़ वगैरह सब बैठी हुई है क्योंकि चिल्ला चिल्ला के ना ऐसी तैसी होगी गले की। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाय बाय, गुड नाइट।